왜 또 베리야? वैसे एक बात बताओ कहीं तुम ये सब कुछ मेरी अटेंशन पाने के लिए तो नहीं कर रही हो मतलब तुम हर जगह वहीं फंसती हो जहां तुम्हें पता है कि मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा पहले वो जंगल और अब यहां बेडरूम में एक्सक्यूज मी ऐसा कुछ भी नहीं है मैं वैसी लड़की नहीं हूं जिसे हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए किसी लड़की की मदद की जरूरत पड़े अच्छा तो फिर कैसी लड़की हो जिसे आपके साथ टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट ना आज आप अकेली आई हैं वो बॉयफ्रेंड नहीं आया आपका आपके साथ ये क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगा कर रखा है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है सिर्फ दोस्त है अरे मुझे लगा इतनी खूबसूरत लड़की के इतने करीब है तो बॉयफ्रेंड ही होगा ऐसे चाहने वाले तो काफी होंगे आपके अब वैसे तुम इतने बड़े होटल के मालिक हो पूरे शहर की लड़कियां मरते होंगे तुम पर तो तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की वैसे चाहने वाली तो बहुत थी लेकिन जो मुझे पसंद थी वैसी कोई नहीं मिली उसके बाद किसके बाद थी एक लड़की स्कूल में बड़ी हिम्मत करके उसे प्रपोज किया था मैंने लेकिन पूरे स्कूल के सामने उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया उसके बाद चाहने वाली तो बहुत आई लेकिन उसके जैसी कोई नहीं मिली नंदिनी तुम्हें क्यों छुपना होगा अब लेकिन मैं क्यों छुपूं अरे पर कहाँ जा रहे हो आप क्यों छुपूं मैं कहाँ हर बार क्यों बोलना जरूरी है क्या पहले चंद्रिका हमें देख चुकी है अब उसकी बहन नंदिनी हमें देखा तो बहुत सारी बातें बनेंगी और मैं नहीं चाह रहा कि किसी वजह से तुम्हारी दुश्मन हो एक काम करो आकर अब लेकिन मैं मर जाऊंगी इसके अंदर अरे आकर्ष तुम यहाँ पे मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी अरे मैं अपने बेडरूम के अलावा और कहाँ होऊंगा और वैसे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था इतना लेट हो गया है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी किस बात की टेंशन आई एम एब्सोल्युटली फाइन आई विल डू इट चले अरे रुको तुम्हें पता है ना बाहर कितना ड्रामा चल रहा है क्यों क्या हो गया इस शूटिंग वालों ने तो इतना शोर मचा के रखा है मेरा दिमाग खराब हो गया है और ऊपर से इनको थर्ड फ्लोर वाले प्राइवेट गार्डन एरिया में शूटिंग करना है अरे उन्हें शूटिंग करने दो तुम जानती हो ना कितने सारे पैसे दे रहे हैं हमें वो सो दैट्स गुड दैट फॉर यू क्या फर्क पड़ता है करने दो फायदे में तो हम शाम को कहाँ मिल रहे हैं कहीं भी पैलेस में बहुत सारी जगह है और तुम तो जानती हो कि तुमसे मैं जहाँ मिलता हूँ वो जगह स्पेशल हो जाती है बेशरम टाइगर सबको यही बातें बोलता रहता है रॉयल ग्रुप का सीईओ हमारा इंतजार कर रहा है विल बी लेट कम ऑन अब पर रुको तो ऐसे ही जाओगे तुम बिना कोट के अब ओए आई फॉरगॉट लेट मी गेट इट टू यू आई नो व्हाट सूट्स यू द बेस्ट अरे रुको 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 अब मैं निकाल लेता हूं इसके साथ मैचिंग सूट ही तो पहना है तो आई नो वेयर इट इज आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है I like it Thank you Should we go? Yeah, sure स्पॉट डाला सर अरे कहाँ हो यार तुम्हें पानी बोला था ना मैंने सर सेटिंग यहाँ पे यहाँ क्या हुआ आपको साइलेंस कैमरा रोलिंग अरे रो मत यार बेटा चुप हो जाओ आप अरे यार कहाँ से लाते हो ऐसे बच्चे एक लाइन नहीं बोली जा रही उससे चुप हो जाओ अरे यार इस बच्ची को कोई चुप कराओ शूटिंग ऐसे चलेगी क्या बच्चे से कोई ऐसे बात करता है आपको दिखाई नहीं देता बच्ची परेशान है
डरी हुई है। बेटा ऐसे रोते नहीं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल ना। अच्छा बताओ आप क्या खाओगे? मिल्क शेक पियोगे? चॉकलेट शेक? चलो एक मिनट, मैं भी साथ में आता हूँ। मैं संभाल लूंगी अकेले, चलो। वो बच्ची को कहाँ लेके गई? रेस्टोरेंट तो ऊपर है। अरे तो ये सब छोड़ यार, तू ऐसा कर, मैडम को क्लोज लगा। रुको! अरे रुको, बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको! तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? सियांच, नहीं, सियांच, अपनी जान बचाने की जगह तू उसके पीछे पड़ी है। सियांच, देखो तुम होश में नहीं हो, तुम मेरे पास मत आना। सियांच, मैं कह रही हूँ तुम मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। उन्हें रोका था ना, जो भी उसके मकसद के रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगली पूर्णमासी की रात को मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको रुको, सियांच तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा तुझे। नहीं सियांच, कोई नहीं बचा सकता तुझे।
लगता है बेहोश हो गया। जाओ उसके माँ बाप को ढूंढ के लाओ। जाओ बुला के लाओ। ये आपका बच्चा है? इसकी तबीयत तो ठीक है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? नहीं, इसे क्या हो गया? कुएं में गिरा था तो सर पे चोट लगी होगी, उससे पहले तो सब ठीक था। ये आज उठ बेटा। अब रोइए मत, हो सकता है गर्मी की वजह से इसे दौरा पड़ा हो। मैं खुद इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब चलिए मेरे साथ। तुम लोग कोई ढंग का आइडिया दो ना इस लड़की को हटवा के मुझे रोल दिलवाने का। है कौन ये? बेटा मैं स्टूपर से दो चार रोल किए हैं इसने, और बताओ आज गुन्नी के सामने सीन कर रही है और मैं यहाँ गधे की तरह बैठ के देख रही हूँ। एक आइडिया, मैं जाके ना उस लड़की को पटा के आता हूँ। अरे मुझे देखते ही पागल हो जाएगी यार। और देखियो अपने आप है ना खुद आके तुझे अपना रोल दे जाएगी। प्लीज बस, ये तुम्हारा छठा प्याज बकवास आइडिया, तुम यहीं रुको, मैं ही जाके कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम? वो देखो क्या तुम लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, उसमें सत्कार को बलात्कार करने पर प्रिंसिपल ने चतुर का क्या हाल किया था? बस वैसा ही। समझे नहीं? मैं समझाती हूँ। कुन्नी रॉय ने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई है, आप कोई उसका मजाक उड़ाए तो क्या होगा? नाइस आइडिया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? टाइम मेरी सोच या किसी की कहानी में नहीं, असलियत में मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। पहले वो वीर को बेहोश करती, फिर वीर का रूप लेकर घर आ जाती, उसके बाद मुझे वही चेहरा दोबारा नजर आता है जो उस बच्चे को बाहर ले गई थी। फिर वो रोती हुई बच्ची भी दिखती है जिसे मैंने सपने में देखा था। अब ये श्रेयंश ऐसी बातें ऐसी हरकतें, क्या ये सारे किरदार किसी कहानी से जुड़े हैं या ये सारे लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? मेरे जैसी दिखती है। दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। मैंने भी जब पहली बार देखा था तो चौंक गई थी। एक्चुअली सभी लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए आकाश ने ये पेंटिंग मेन लॉबी से हटवाकर यहाँ लगवा दी ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कौन ही है? इस महल की रानी हुआ करती थी, अचानक पागल हो गई। पागल हो गई क्यों? घमंड था या काली शक्तियों का साया पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। अजीब हरकतें? अजीब हरकतें मतलब काली शक्तियों का प्रयोग करने लगी थी, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सारी चीजें। लोग इन्हें डायन कहते थे। डायन? तभी तो इन्हें जिंदा जला दिया गया। पुराने किस्से कहानियों में होता था ना, उस लड़की में
काली शक्तियां आ गई हैं, उसमें डायन है, उस मार तो। पर मेरे ख्याल से कहानी कुछ और होती थी। इन रानियों को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि इन्होंने असली डायन को देख लिया था और सच का पता किसी और को ना चले कि असली डायन कौन है, इसलिए इनका मुंह बंद करने के लिए इन्हें जिंदा जला दिया जाता था ताकि सच छुपा रहे। इसलिए उम्मीद में ना बैठकर अगर इंसाफ का फैसला खुद ही कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे वो बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ में थी? जहाँ होनी चाहिए। And cut. Well done, बेटा। जानवी, कहाँ थी तू? असली सीन तो अब शुरू होगा। अब आएगा मजा। गाइस, तुम लोग एंजॉय करो। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं घर जाती हूँ। अरे सुपर यार, एक काम करना ना, प्लीज मम्मी को भी साथ ले जाना। अब इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब हाँ, वो क्या है ना कि मम्मी देखेंगी तो क्या सोचेंगी, ऐसे फूट फूट कर लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। इसलिए अब आंटी कहाँ है? अब वो सामने लॉबी। ये मेरी दोस्त है मेनका, बहुत पुराने दोस्त है। और ये जानवी मेरी बेटी है ना, जनाता उसकी ननद है। जानवी दिल्ली में पढ़ती है। सुना, मैं इनसे 8 साल पहले मेरे बुआ के यहाँ पार्टी थी, वहाँ मिली थी, उसके बाद आज मिल रही हूँ। जानती है तो ये इतना बड़ा होटल है ना, ये इनके बेटे का है। हाँ, मतलब आकाश आपका? ओ, तुम जानती हो उसे? नहीं, एक्चुअली मेरा भाई इसी होटल में काम करता है, मैनेजर है। हर्ष, क्या? आंटी जी, मैं निकल रही थी घर के लिए, आप यहाँ रुकने वाली हैं? नहीं नहीं, बहुत हो गया, यहाँ तो शूटिंग कम हड़बड़ी ज्यादा। कितना शोर करते हैं ये लोग। हाँ बस चलो, कम से कम इसी बहाने हम लोग तो मिल लिए। आइए, हम आपको बाहर छोड़ाते हैं। अरे आशा, आप यहाँ? मम्मा कहाँ हैं? आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया? नहीं, आपकी माता जी अपनी सहेली और जानवी के साथ। जानवी? पार्टी मुझे अभी तक याद है, कितना मजा किया था हमने। नहीं सच में, अब क्या कर रही हो ये? कहाँ जा रही हो? रुको ना, आज लंच करते हैं साथ में, होटल में या फिर कहीं बाहर। एक्चुअली मुझे घर जाना है, घर पर बहुत काम है। तुम कुछ खाती नहीं हो? मतलब कुछ तो खाओगी ना, कहीं ना कहीं तो खाना ही पड़ेगा, तो मेरे साथ खा लो। मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। एक दिन तो करना ही पड़ेगा। क्या? बैठ के लंच। अच्छा एक बात सुन लो, आज नहीं तो कर, कल नहीं तो परसों, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाथ आज तो छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और बार बार तो बिल्कुल नहीं। किससे बात करूं मैं? कैसे पता लगाऊं कि ये सारी अनहोनी मेरे साथ ही क्यों घट रही है? क्योंकि सच जानने की कोशिश की है, मेरा राज ढूंढने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि जो मुझे देख रहे हैं उसके सपनों में आने लग जाते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रिका ये टाइम ये भगवान मैं कैसे पता लगा? अरे रुको 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 रुको। अरे कितनी बड़ी मार्केट है, मैं तो यहाँ शॉपिंग करूंगी। मैं अभी आती हूँ, चलो। अरे चल, ओ चलो, बैग कौन उठाएगा? चल चल चल। मैम शॉट रेडी है, आ जाइए। चलो गाइस रेडी, रोल एंड एक्शन। ऐसे घटिया से चेहरे पे जितना चाहे मेकअप लगा लो, बदसूरत ही लगोगी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगा नाक सीधी करवा लोगी, किसी को पता नहीं चलेगा? हाउ डे यू, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कौन ही है? ऐसी बदतमीज एक्ट्रेस के साथ मैं सेट पे एक मिनट भी काम नहीं करूंगी। You know what? Just get lost. मैम, please, एक shot. अब ये रोल मेरा। मैम क्या करती है तुमने? कौन सी लाइन बोल दी? ये सब तो स्क्रिप्ट में भी नहीं है। You have done a blunder. अब तुम ये बोल रही हो कि चंद्रिका डायन है? जानवी सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अब तुम ये डायन वाइन में बिलीव करने लगी हो? यू नो व्हाट बी, दैट्स द प्रॉब्लम, कोई मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं करता। जैसी जगह पे खड़ी हूँ, ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ जहाँ मैं किसी से कुछ भी कहूँ कोई मेरा यकीन ही नहीं करते, इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अच्छा लिसन, मैं उज्जैन सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूँ जानवी, ताकि जो नाराजगी जो इंसल्ट तुमने सहन करी है मेरी वजह से, मैं तुम्हारी फैमिली से माफी मांग सकूँ उन सबके लिए। मैं पास में एक लॉज में रुका हूँ और बहुत फालतू टाइम है मेरे पास, अकेला हूँ आप, और तुम पर यकीन करता हूँ यार जानवी, में जस्ट कि डाइंग वाइन की ये सब चीजें बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है, मुझे समझ नहीं आती। मैं भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, ट्रस्ट मी, लेकिन जब ये सब चीजें मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं यकीन कर रही हूँ ना। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करना चाहती, नहीं मैं करती हूँ, पर मैं बस सच जानना चाहती हूँ कि वीर की आखिर सच्चाई क्या है, क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ। ओके लिसन, इस चंद्रिका की हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं निकालता हूँ, आई ट्रस्ट यू। लेकिन कैसे? पैलेसेस का रिस्टोरेशन करती है ना ये। दिल्ली में मेरे अंकल है जो किसी फाइव स्टार होटल में काम करते हैं, और उनका होटल भी पैलेस से ही होटल में कन्वर्ट हुआ है। आई एम श्योर कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा ना जानवी, कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेंगे। आई एम श्योर चंद्रिका तक हम किसी तरह से पहुंच पाएंगे। जैसा दोस्त बहुत किस्मत से मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। अरे आंटी आ गई, मुझे चलना होगा। अच्छा सुन, ज्यादा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। क्या चेयर? थैंक्स। फिर उससे पता है क्या कहा? नाक सीधी हो जाएगी ना तो पता नहीं चलेगा। फिर एकदम चुप्पी, कोई उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। कितने बदमाश हो तुम लोग। फिर क्या हुआ, प्राची को रोल मिला कि नहीं? रोल ठेंगा मिला उसे। अरे डायरेक्टर ने तो स्क्रिप्ट से सीन ही हटा दिया, प्राची की सारी मेहनत डब्बे में। अरे प्राची, रुक जा, अभी जाएगी एक घंटा मेकअप निकालेगी, फिर दोबारा लगाएगी, ठीक हो जाएगी। अरे आप लोग मुझसे पहले पहुंच गए, हम शॉपिंग करने तो गए थे, आज मैंने इतनी शॉपिंग की है कि बस देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। एक मिनट, जानवी सुनो, मैंने पता करने की कोशिश करी तो एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है।
ये चंद्रिका, ये चंद्रिका दिल्ली में काम करती थी, ग्रैंड प्लाजा होटल, और ये जहां भी होती थी ना, कमरा, लॉबी, किचन, हर जगह कुछ ना कुछ अजीब से हादसे हुए। जैसे कि एक बार किचन में आग लग गई थी और वो फिर वो फॉल्स सीलिंग होती है वो गिर गई थी। आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि ये बातें अजीब नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, पर जानवी जब भी ये इन हादसों में मौजूद थी और जितने भी लोग आसपास थे सबको चोट आई है, पर चंद्रिका को कभी खरोश भी नहीं है, कभी भी नहीं। इनफैक्ट होटल स्टाफ तो इन्हें मजाक में अमर भी बुलाते थे, यानी वो लोग जो कभी नहीं मर सकते। जानवी कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये इंसान नहीं है बल्कि एक अजीब सी शक्ति का पुनर्जन्म है। हेलो जानवी, हेलो जानवी, चंद्रवती देवी, अमर पुनर्जन्म, उसका चेहरा भी हूबहू चंद्रवती देवी से मिलता है। भी अजीब हरकतें करती थी तो कहीं उनका चंद्रिका से कोई रिश्ता तो नहीं। वीर, तुम्हें पता है इंटरनेट पर रानी चंद्रवती देवी के बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि जब उसके काला जादू तंत्र विद्या के बारे में राजा को पता चला तो उसने अपने ही हाथों से अपने ही पति राजा का खून कर दिया। पर ये भी लिखा है कि ये अचानक चंद्रवती देवी के आसपास जितने भी बच्चे थे वो सब गायब होने लगे। और भी है वीर, कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रवती देवी कभी मरी ही नहीं, उनकी झलक आज भी लोगों को कई अलग अलग जगहों पर दिखती है। जानवी, यूमिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रिका ही डायनी और वो आपके किसी मकसद को पूरा करने के लिए बच्चों को गायब करिए, जैसे चंद्रवती देवी हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किस पर यकीन करूँ, किस पर नहीं? ये सब कुछ सच में मेरे साथ हो रहा है या फिर धोखा? मैंने वो बच्ची, पितरे, चंद्रिका, चंद्रवती देवी, I just don't know, वीर, I really don't know. दवा मंगा लीजिए आप। तो चूक गए पर अब नहीं, जाओ जाके अपना अधूरा काम पूरा करो, उसे उसके घर से बाहर निकाल लाओ, अकेले जाओ। जानवी दीदी,
श्रेयांश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में दीदी मैं हॉस्पिटल से भाग के आया मुझे बचा लीजिए दीदी वरना वो मुझे मार देगी कौन मार देगी तुम्हें वही जो हम दोनों के पीछे पड़ी है हॉस्पिटल में घुस आई थी मैंने देखा था उसे दीदी मुझे सब पता है उसके बारे में इसलिए वो मुझे मारना चाहती है दीदी प्लीज मुझे बचा लो दीदी सिर्फ आप ही बचा सकते हो मुझे दीदी प्लीज चेंज तुम शांत हो जाओ तुम ये बताओ कि तुम क्या जानते हो उस जायंट के बारे में क्या पता है तुम्हें उसके बारे में मुझे बताओ मुझे सब कुछ बताओ मुझे सब पता है उसके बारे में दीदी पर आपको मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा अगर यहाँ पे मुझे कोई देख लेगा तो मुझे वापस भेज देगा प्लीज दीदी मुझे वापस नहीं जाना प्लीज आप मेरे साथ बाहर आओ मुझे सिर्फ आपसे ही बात करनी तुम यही रुको मैं बस अभी आती हूँ ठहरो जानवी तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम उस श्रेयांश ना पड़ोसी का बच्चा उसने मुझे बुलाया है वो कह रहा है कि वो डायन के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो मुझे डायन के बारे में सब कुछ बताना चाहता है कि डायन कौन है क्या है डायन के बारे में बताना चाहता है जी चाचू नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है इतनी रात के अंधेरे में एक बच्चे का अस्पताल से अकेले बाहर निकलना असामान्य है असंभव है नहीं चाचू मैंने अभी अभी उससे बात की है वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है मैं बस अभी मिलकर आती हूँ देखो 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 तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना तुम घर की चौखट मत लाना चाचू आप टेंशन मत लीजिए आप यही रुकिए मैं बात करके अभी आ जाऊंगी वो रुका है मेरे लिए ठीक है देखो अगर उसकी बातें सत्य है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ चलो चाचू इट्स ओके आप चिंता मत कीजिए मैं बस अभी बात करके आ जाऊंगी अच्छा ठीक है ये पंचमुखी रुद्राक्ष ये शैतानी ताकतों के प्रभाव को असफल कर देता है जाओ तो और मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा श्रेयांश जो उसके बारे में हमसे अधिक जानते अचानक ऐसे बेहोश ऐसी हालत में इसे क्या हो गया चाचा जी पांच मिनट पहले तो ये ठीक था मुझसे बातें कर रहा था अचानक से ऐसी हालत में चाचा जी ये ठीक हो जाएगा ना आप देखिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन आप प्लीज श्रेयांश को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए मुझे टाइम के बारे में बताने वाला था चाचा जी वो शायद चंद्रिका के बारे में बताना चाह रहा था चंद्रिका वही औरत जो जो इस बच्चे को लेकर ट्रेन से उतर गई थी मुझे लगता है चंद्रिका ही डायने ये मुझे बताने वाला था चाचा जी कैसे हो गया चाचा जी मैं आपसे बात कर रही हूँ जल्दी से कुछ कीजिए ना च-
चाचा जी, मैंने चंद्रिका को होटल में देखा था। चाचा जी आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज जल्दी से श्रेयंश को होश में लाइए, कोई आ जाए इससे पहले। चाचा जी प्लीज, श्रेयंश प्लीज उठ जा, प्लीज उठ जा। कौन हो सकता है इतनी रात को? मैं देखता हूँ। अरे सुमन जी, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? चाचा जी, सुमन आंटी, श्रेयंश की मम्मी, कहाँ छुपा के रखा है उसे? बताइए, श्रेयंश, श्रेयंश। तुम पगला तो नहीं गई हो? तुम्हारा बच्चा अस्पताल में है। मेरा बच्चा अस्पताल में नहीं है, वो वहां से गायब हो गया है। और चौकीदार ने कहा उसे यहाँ आते हुए देखा है। आपका ये तमाशा फिर से शुरू हो गया। अगर आपका बेटा भागा है हॉस्पिटल से, तो आप हम पर कैसे इल्जाम लगा सकती है? चलिए निकले यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को लिए बिना। मुझे पता है मेरा बच्चा यहाँ है। श्रेयंश कहाँ है मेरा बच्चा, बताइए ना मम्मी। मुझे जानवी दीदी लेकर आई। मैं हॉस्पिटल में सो रहा था, नींद में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी, वो मुझे बुला रही थी। फिर मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया। मुझे यहाँ पे नहीं रहना मम्मी, मुझे आपके पास रहना है। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़की कुछ अजीब है। पहले इसने कहा कि इसने मेरे बेटे को सपने में देखा है, फिर कहा कि कोई औरत उसे उठा के ले गई है, फिर इसी का दोस्त इसे वापस लेकर आया। और मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, इसे दौरा पड़ा, ये बेहोश हो गया। और उस वक्त भी जानवी उसके साथ थी। अरे क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुमन जी बंद कीजिए सब, और श्रेयंश को लेके जाइए यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रख, अगर इस लड़की का साया भी मेरे बच्चे पे पड़ा ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुना था, लेकिन आज देख भी ली, डायन की बहन डायन होती है। ये सुमन आंटी क्या कह कर गई? डायन की बहन डायन। पापा चलो अंदर। पापा आओ इधर मेरे साथ। पापा क्या हो रहा है गुड़िया? ये बच्चा इस घर में क्या कर रहा था? क्या कर रही थी तुम उसके साथ? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी पापा। पापा जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, वो डायन कर रही है सब कुछ। पापा मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। पापा आपको याद है ना मैंने आपसे कहा था कि मैंने सपने में डायन को देखा था? पापा लेकिन मैंने असलियत में भी डायन को देखा है, यही उज्जैन में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पापा। और आज रात को तो वो डायन हमारी गया। आज के बाद ये शब्द दोबारा मत दोहराना। लेकिन पापा मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में डायन को। मैंने कहा ना चुप। ये मनुष्य शब्द तुम्हारे मुंह से वापस नहीं निकलना चाहिए। ये आपके लिए सिर्फ एक शब्द होगा पापा, लेकिन मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज को लेकर। ना मुझे कोई समझता है, ना मुझ पर कोई भरोसा करता है, क्या करूँ मैं? और आज सुमन आंटी क्या करके गई? हाँ किसी ने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला सुमन आंटी को? सो
सब यही सोचते कि मेरी गलती है, मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाबा असलियत क्या है? क्या छुपा रहे आप सब लोग मुझसे? ये डायन कौन है? क्यों मेरा पीछा कर रही है? क्या कहना चाहती है? और सुमन आंटी क्यों कहकर गई कि डायन की बहन डायन होती है पापा? जानवी बेटा, छोटे शहरों में लोग छोटी छोटी बातों का बखेड़ा बना लेते हैं। तेरे पापा ये सब नहीं चाहते। तुम उनकी बात मान और इस सब से दूर रह बेटा। भाभी, इसे इसके कमरे में ले जाइए और समझा दीजिए, इसे इसके सामान पैक कर दे। मुझे? हाँ, तो दिल्ली वापस जा रही है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। यहाँ का सारा झमेला फिर भी देख लेगा। सच के? मैंने कहा ना, कोई बहस नहीं। जाकर अपना सामान पैक करो, फिर तुम्हारी टिकट बुक कर लेगा। चलिए। चाचा जी, तत्काल में कोई टिकट नहीं है, सीधे परसों की टिकट मिल रही है। पृथ्वी, बुक कर दो टिकट। ठीक है। तब तक तुम घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। तुम रुको, बाकी सब अपने कमरे में जाएं, मुझे इससे बात करनी है। इतने सालों से तुम इस घर में रह रहे हो, क्या करते हो क्या नहीं, कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहता हूं, मेरी बेटी से दूर रहो। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस दिमाग में और आग मत भड़काओ। आज के बाद इस बारे में कभी उससे बात मत करना। मेरी बात समझ में आई? आई? पापा मुझसे इतना नाराज क्यों है? और वो चाचू को मुझसे दूर रहने के लिए क्यों कह रहे? कुछ तो है जो सब लोग जानते हैं पर मुझे बताना नहीं चाहते। लेकिन क्या?